अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं जो बड़ों और बच्चों दोनों में यकसा मकबूल हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने हाफ कप घी ले लिया है और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसमें 2 कप हमने बेसन डाल देना है। यही रेशो रहेगा, घी हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना और इसको आराम से तहम्मुल से हमने इसको धीमी आँच पर तकरीबन 10 से 12-15 मिनट हमने इसको चम्मच चलाते जाना है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये देखें इस तरह ड्राई फॉर्म में होगा। ज़्यादा आपने घी नहीं डालनी वरना बेसन के लड्डू बैठ जाएंगे। फिर मुझे महसूस हुआ तो मैंने 1 खाने के चम्मच घी थोड़ा सा और डाल दिया। ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, थोड़े से लिक्विडी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा भुन गया है तो हमने 2 खाने के चम्मच में जर्दे का कलर ऐड कर लिया। आपके पास अगर ज़ैफ़रान हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने ये डाल दिया कलर। अब ये हमारे बेसन तकरीबन भुन गए हैं। अब इसको ठंडा होने के बाद हमने तकरीबन ये इसमें शुगर डालनी है। ये हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसमें 2 खाने के चम्मच हमने पाउडर दूध डाल दिया है, मिल्क पाउडर, और फिर 1 हमने कप शुगर डाल के बिल्कुल सही से हमने मिक्स करना है। ये देखें ये इस फॉर्म में आते हैं। ज़रा सा भी अगर हमने घी ज़्यादा ऐड किया तो ये बेसन के लड्डू बिल्कुल बैठ जाते हैं। अब ये आप देखें इस तरीके से करें और ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। और ये थोड़ी ही देर बाद, ये 1 घंटे के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और आपके पास गार्निशिंग के लिए पिस्ता वगैरह मैंने बाद में डाला है, आप भी डाल दीजिए। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब मी।